हाय दोस्तों, मैं आर के यादव हरी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से। और मैं दोस्तों आज वनस्पति जगत में पर्यावरण, जो सीटेट का पर्यावरण है उसके अंतर्गत वनस्पति जगत में मैं आज घटपर्णी के बारे में बताऊंगा कि घटपर्णी क्या होता है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लें हम कि बहुत ही उपयोगी टॉपिक जो है ये आज घटपर्णी का है। इसके पिछले वीडियो में आपको हमने रेगिस्तानी ओक के बारे में बताया कि रेगिस्तानी ओक क्या है। तो रेगिस्तानी ओक हो गया, घटपर्णी हो गया, इसके बाद लाइकेन हो गया, ये जितने वनस्पति जगत से जितने भी हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं जो सीटेट संबंधित हैं। तो आज मैं आपको घटपर्णी के बारे में बताऊंगा, घटपर्णी क्या होता है। ठीक, तो देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे प्रश्न सीटेट में अनिवार्य रूप से आते रहते हैं, तो आपको इस टॉपिक को या इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा हमें टॉपिक याद रहे, जिससे क्या होगा कि टॉपिक याद रहने से जो सीटेट में जो उसका स्तर है, जो पूछने का तरीका है, वो टॉपिक वाइज ही पूछता है, क्योंकि वो एक एक लाइन पूरा अच्छे तरीके से देता रहता है और पूछता रहता है, जो अनिवार्य रूप से ये याद करना जरूरी है आपको। तो पहला टॉपिक है कि पौधा या इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में मुख्य रूप से मेघालय राज्य में पाया जाता है, क्योंकि ये अधिकतर करके नाइट्रोजन की जो जहाँ पे कमी होती है जिस भूमि में वहाँ पे पाया जाता है, तो ये नाइट्रोजन के कमी वाले क्षेत्रों में पाया जाने वाला पौधा है। अधिकतर कहने की ये अम्लीय मृदा के जहाँ पाया जाता है वहाँ पे ये पौधा मतलब पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में अधिकतर करके होता है। तो यह पौधा मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है कि यह नाइट्रोजन पूर्ति के लिए जीवों को खाता है। ये पौधा ऐसा पौधा है कि जो, जैसे मान लीजिए इसको नाइट्रोजन की जब कमी हो जाती है तो ये छोटे छोटे जीवों को, कीड़ों को खाने का कार्यक्रम करता है। तो और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो छोड़ता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि छोटे छोटे कीड़े या मधुमक्खियां या कहने की कोई छोटी छोटी जैसे तितलियां हो गई, कुछ ऐसे जीव जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं इसके प्रति। जब आकर्षण होने लगता है उन लोगों का जो आते हैं तो वो उसके पास आ जाते हैं, तो पास आने के बाद वो एकदम सुराही के आकार का, या कह लें कि आपको कि इसकी जो ढक्कन नुमा होता है लंबे घड़े के आकार का, तो उसमें वो जाकर के उसी तरह खुला रहता है, उसमें जाके बैठ जाते हैं और ये ऊपर से ढक्कन की तरह जो होता बंद कर देता है, तो उसमें वो जीवों को उसका भक्षण उस प्रकार से करता है। इसे जैसे घटपर्णी को कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं, क्योंकि कीटों का ये भक्षण करता है नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति कर, नाइट्रोजन की कमी जो होती है उसकी पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह यह कीटों का भक्षण करता है, इसलिए कीट भक्षी पौधा भी कहलाता है घटपर्णी। तो यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जीवों का भक्षण करता है या जीवों को खाता है। तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है कि घटपर्णी लंबे घड़े जैसा आकार का होता है और घड़े के ऊपर एक ढक्कन नुमा, जैसे ढक्कन की जैसा होता है कि ऐसे खुला रहेगा, ऊपर से ढक्कन जैसा बंद हो जाता है, उस प्रकार का यह उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। ठीक। और पांचवा पॉइंट है कि यह पौधा चूहे एवं मेंढकों एवं छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन या अपना मतलब भोजन के रूप में शिकार करता है, या नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए उनका शिकार करता है। फिर छठा पॉइंट है कि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसके कारण कीटे या छोटे छोटे जीव जंतु उसके प्रति आकर्षण होते हैं, जिससे उसको अपने भोजन करने या अपने नाइट्रोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनका उपयोग करता है ये पौधा। और इसमें ये एक है कि ये भी एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है। जो अपना ये भोजन करता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करता है और फ्लोएम के माध्यम से इसके विभिन्न भागों तक, इसके जो भोजन होते हैं वो विभिन्न भागों तक पौधे के पहुंचते हैं। तो ये सारा जो पॉइंट है यह घटपर्णी के बारे में था, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहने की हम अति मतलब कि इम्पोर्टेंट से कहने की इसका मतलब है कि इससे प्रश्न आते ही आते हैं।
हर बार सीटेट में प्रश्न पिछले ईयर में देखेंगे पूछा हुआ था, फिर उसके बाद कुछ मतलब एक आध साल के अंतराल पे ये प्रश्न आते रहते हैं और एक आध पॉइंट पूछ देगा या घटपड़ी के बारे में पूछ देगा या दो चार पॉइंट दे करके उसमें पूछ देगा, इस प्रकार से पूछता रहता है जो घटपड़ी के बारे में है। तो इसको एक बार और बता देते हैं कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जिन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी होती है। फिर यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जीवों का भक्षण करता है। फिर घटपड़ी लंबे घड़े जैसा आकार का होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होता है। फिर उसके बाद यह पौधा चूहे, मेंढकों एवं छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाता है। और इसके बाद एक विशेष प्रकार का यह पौधे में एक विशेष प्रकार का जो होता है गंध होती है निकलती रहती है जिसके कारण कीटे उसके पास में या जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसके पास में आते हैं और उसका वो भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए खाता रहता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि द्वारा ही भोजन ये बनाता है। ये पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन बनाता है और फ्लोएम के माध्यम से अपने विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाता है। तो ये जितनी सारी पॉइंटें थी, सारी बातें थी जो टॉपिक था आज का घटपड़ी के बारे में था। और कहने की यह सीटेट के रूप में बहुत अनिवार्य है, अनिवार्य टॉपिक के रूप में है और एक कहने की नेसेसरी रूप से इस टॉपिक को पढ़ना अति आवश्यक है क्योंकि इससे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इससे हमें बहुत ही जरूरी रूप से इस टॉपिकों को, इसके पॉइंटों को याद करना जरूरी है। आपको बता दें कि अब इससे संबंधित जितनी भी जो भी टॉपिक होंगे या आगे होंगे, इसके बाद में होंगे जो टॉपिक कराऊंगा, आपको क्रमबद्ध तरीके से सीटेट पैटर्न पे आधारित जितने भी पर्यावरण के वीडियो जाएंगे वह सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके सीटेट के दृष्टिकोण से। और सीटेट कहने की आप देखिए यूपीटेट का जो अभी दो तीन दिन पहले जो न्यूज आई थी कि यूपीटेट अब सीटेट के बाद होगा, तो यह संभावना पूर्ण रूप से बनती जा रही है कि सीटेट यूपीटेट के बाद होगा। तो इससे क्या है कि आप सीटेट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, उन सब तथ्यों को पढ़िए, सीटेट से आधारित जो चीजें उससे पढ़िए और इन सब चीजों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए क्योंकि इस पे सीटेट स्पेशलिस्ट पूरे के पूरे जो वीडियो जाएंगे अधिकतर करके सीटेट स्पेशलिस्ट जाएंगे और जो पर्यावरण के जो वीडियो जाएंगे वो तो पूरे के पूरे सीटेट आधारित जाएंगे। फिर उसके बाद टेट का जो अगर नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद टेट का सारे के सारे वीडियो जाएंगे। तो अभी नोटिफिकेशन सीटेट का नहीं आया है तो जिसके वजह से अभी संभावनाएं बनी हुई हैं आने की, तो अभी नहीं आया तो जिसके कारण आप सीटेट को मेन फोकस करिए और सीटेट का जो है आपको बहुत ज्यादा क्रेज है, उसका बहुत ज्यादा आपको व्यापक स्तर पे टीचिंग लाइन में आवश्यकता है। आप सीटेट पास किए रहेंगे तो आप केंद्र शासित प्रदेशों और उसके बाद अदर राज्य जितने भी हैं आपको पूरे पूरे राज्य में आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा देने की जो बाध्यता है उसको आप पूरी कर लेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सीटेट की जो प्रिपरेशन है आप उसको मजबूत बनाइए और सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको वीडियो सीटेट आधारित जो भी वीडियो है आपको मिलती रहे जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाए। तो आप जितनी भी ये सारी बातें थी आपको इसको नोट कर लीजिएगा और कहीं आप रफ कर लीजिएगा और वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा और जितनी बार देखेंगे वीडियो को आपको उस आसानी तरीके से याद हो जाएगा क्योंकि वीडियो देखने से कहीं ना कहीं कुछ बातें याद रहती हैं जो आप मनोरंजन के तौर पे देखिए या कहीं जा रहे हैं तभी भी देखिए, जिस हिसाब से देखते जाएंगे उस हिसाब से आपको वीडियो के रूप में याद रहेगी, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में याद रहेगा, इसके वजह से आपको फायदा होगा। तो इन सब बातों को लेकर के हमने आज ये वीडियो आज घटपड़ी के ऊपर जो जिक्र किया। तो आज फिर अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में अब अगला जो टॉपिक होगा वनस्पति जगत से उसको लेकर के आएंगे और अच्छे तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम में आने वाले होते हैं।
तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपका ही भला होगा, क्योंकि हमें तो बस आपके सब्सक्राइब का ही फल मिलने वाला है और कुछ नहीं। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब रहेंगे उतना ही फायदा है, आप उतने अच्छे से तरीके से वीडियो देख लेंगे और हमें उत्साहित भी होंगे हम कि आप वीडियो अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ताकि मेरा मनोबल ऊंचा करने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं हाँ लोगों की मांग ज़्यादा है, हम और अच्छी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करने में और देने में सक्षम होंगे, जिसकी वजह से आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ